आप लोग देख रहे हैं ड्रग्स की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, अगर इसके पीछे किसका हाथ है, एक ना एक दिन जरूर छिन लिया जाएगा। देखते हैं होता क्या है, आगे आगे देखते हैं। ये क्या गुस्ताखी है? बस ये वो हरामदादा है, हमारा माल पकड़वाया। इस हरामदादे की इतनी जुरत। बैठ जाओ बाबा। पहले मुझे इसके पीछे किसका हाथ है? सुना छोटे? सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ और सोच भी। मुझे तो लगता है ये पुलिस की ही साजिश है। तो फिर जो ये बात आपने मुझे कहा है, तो फिर से ऊपर ले चढ़ो, क्योंकि इसे अभी जाना भी ऊपर है। इसने कुछ बताया है कि नहीं? इसने अभी तक कुछ नहीं बताया। बच्चा है बाबा, बोलेगा अच्छी तरह से बोलेगा। नहीं भाई, एक बार छोड़ने का मकसद है कि दूसरी बार इसके मकसद को बढ़ावा देना। मेरी हुकूमत में भैया मुझे आज ही माल के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ेगा। अबे छोटे मियां, कभी टाइम निकाल कर हमारे साथ भी रहा करो। भाई ये डील हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस डील के मुकम्मल होते ही जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, जश्न करेंगे, पार्टियां करेंगे और साथ भी ही रहेंगे। ठीक है छोटे, पहुँचते पहुँचते मुझे फोन करना। बाबा वो छोटे मेरे मुकाम का क्या बना? डैडी इंशाल्लाह दो दिन में आपका काम हो जाएगा। बाबा गोदाम में जाकर वो माल रखवा दो। जी डैडी। जो मेरे मुल्क में ये नशे को इतना फैला दो जो हर बंदे की जरूरत बन जाए। क्या बन जाए? जरूरत बन जाए। भाई इस ड्रग्स को पूरे पाकिस्तान में मैं इतना फैला दूंगा कि देखने और सुनने वालों की रूह तक ना। शाबाश छोटे, शाबाश। इस तरह मेरे मुल्क में माल फैला दो। हाँ भाई एक बात तो मैं आपको कहना भूल गया था, ये जो प्लाट के सिलसिले में आपसे बात किया था उसका क्या बना? होना क्या है, ये आदमियों ने कर दिया है। भाई हमारे लिए प्लाट बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हम अपना माल शहर से दूर गांव में रखेंगे और वो प्लाट हमारे लिए जरूरी है। किसी भी हाल में वो हमें मिलना चाहिए। फिक्र न कर छोटे। छोटे मैं बैग लेकर जल्दी भैया के कमरे में आऊँ। ठीक है छोटे, तुम बाहर जाओ। छोटे ख्याल से जाना। ठीक है भाई, मैं पहुंचते ही आपको फोन कर दूंगा। अपना ख्याल रखना छोटे। Thank you.
एक ऑफर मिला है बाबा के लोगों ने फिर प्लान का धंधा किया। कौन सी जगह पर? जीरो हाउस के से। चल भाई भी एक अजीब आदमी है, खाली प्लाट पर हमें बैठा दिया। ये खाली प्लाट नहीं है, ये भाई का जागीर है, हम यहाँ कब्जा करे बैठे हैं। चल भाई हम घूमने चलते हैं, भाई का प्लाट इधर पड़ा होगा। हमारा यहाँ ड्यूटी है, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, बैठो यहाँ। यार क्या तू भी अजीब आदमी है। कौन है इधर मरने आ रहा है? मुन्ना भाई। ए मिस्टर मुन्ना, इधर क्या लेने को आया रे? सिर्फ दो मिनट देता हूँ तुम दोनों को, ये प्लाट खाली करके निकल जाओ। तेरे कहने पर हम प्लाट खाली करेंगे। इसका कीमत सिकंदर ले चुका है, ये जानते हुए भी इस पर बाबा ने कब्जा किया है। चल चल यहाँ से। क्यों रे मुन्ना, प्लाट खाली करवाया कि नहीं करवाया? भाई उन लोगों ने बहुत मारा। ओ भाई आप उनसे लड़ेगा तू साले। कालिया भाग। इस तरह भागते हैं, इस तरह भागते हैं। जी भाई साहब। जी जी मैं पहुंच गया। नहीं नहीं टेंशन वाली कोई बात नहीं, बस मैं पहुंच चुका हूं। ओके भाई मैं काम खत्म करके बहुत जल्दी ही आऊंगा। खुदा हाफिज। कहाँ है तू? मैं तो रफी स्टेडियम के बाहर हूँ। कल जो तुझे ड्रग्स दिया था वो कहाँ है? वो माल मेरे पास है। अपने पास संभाल के ही रख, और जो माल तुझे कल दूंगा वही तुझे पूरे लाहौर में फैलाना है। और तू अच्छी तरह से जानता है कि अगले हफ्ते हम, तू और शुएब तीनों इस्लामाबाद चलेंगे। हमें ड्रग्स पूरे पाकिस्तान में फैलाना है। मैं भाई शुएब को मैसेज कर देता हूँ, कल मेरे साथ होगा इंशाल्लाह।
भाई का जरूर काम करना है आज। ओ भाई क्या है, बड़े भाई नहीं आए क्या? अब आसान है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ रुकूँ। ठीक है, ये माल पकड़ो, हमें ठीक दो घंटे में दाता भगवान के बाहर मिलना है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। अपने इस्लामाबाद वाले टीम को कॉल करना। हेलो, बाइक से बात कर रहा हूँ। हाँ केडी, हमने अपना सारा माल यहाँ लाहौर में फैला ही दिया है, और कल हम मीनार पाकिस्तान से होते ही सीधा तेरे पास इस्लामाबाद आएंगे। तू हमारे रहने का बंदोबस्त कर, और इस बार जो माल मैं तुझे दूंगा वो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। हाँ, हम कल ही आएंगे। ठीक है शुएब। मेरा भाई लाहौर पहुंच चुका है, आपको पहुंचते ही माल मिल जाएगा। क्या बात है कालिया, घबराए हुए हो? मैंने तुम्हें दोनों को प्लाट पे भेजा था, और वो छोड़ के यहाँ मेरे पास क्यों पहुंचा? और किसी सिकंदर नाम आदमी ने हमें बहुत मारा और उधर से हमें भगा दिया। मैं इस मुल्क पे राज करना चाहता हूँ। समझते हो, मैंने हुकूमत तो में मच्छी से मार करते हैं मेरे पास। कौन से गांव में? किलो पाउंड के इलाके में। मेरे साथ टकराना कोई छोटी बात नहीं है, वो तेरे गांव का है, उसे इज्जत से समझा दो, नहीं तो जान से। आज मैं अपने आदमी भेजता हूँ, उसे समझा देंगे वो लोग। ऐसे आना हुआ भाई साहब, भवन वो नाला है किसका भांजा था ना? हाँ भाई, वो तेरा भांजा कहाँ है जिसने बाबा से टक्कर लेने की कोशिश की है? इससे कोई गलती हो गया क्या? उसने सांप के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है साले। उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो। बाबा की अदालत में माफी नाम की कोई चीज नहीं है बुढ़े, उसको माफ फिर भी उसको समझा देना कि हमारी कारोबार में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। के उसे समझा देना, ये बात गौर से सुनो बुड्ढे। भांजे कल तूने फिर झगड़ा किया, निकल जाओ मेरे घर से। अरे मामा ऐसा मत करो यार। नहीं, निकल जाओ। मुझे पता है बाबा कौन है। कौन है? वो हमारे गांव में भी कब्जा कर सकता है। बाबा बड़ा बदमाश है। अरे बहुत देखे ऐसे बाबा शाबा, मैं किसे डरता हूँ क्या? अरे बाबा मार रहे हैं, खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। मारना नहीं। क्यों लड़ रहे हो? नहीं लड़ो, नहीं लड़ो।
छोड़ो, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? ये खुद भी मरेगा, क्यों साथ में मुझे भी मरवाएगा? हम याद रखते हैं, वो ये तेरा भाई है। किसके साथ क्यों लड़ रहा है? मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ चाचा जी, ये खुद मुझसे लड़ रहे हैं। क्यों भाई? ये मेरा भांजा है, ये खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा साथ में। क्यों, क्या बात है? ये उसने उस टक्कर ली है बाबा से। ओ गुड्डा, वो बदमाश। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, जा रहा हूँ मैं शहर। क्या शहर में जाकर करोगे क्या? अपन बाबा से भी बड़ा गुंडा बनेगा। अच्छा। क्या तू? हाँ। गुंडा बनेगा तू, गुंडा बनेगा तू। आज बहुत थक गया हूँ यार, आज बहुत मैंने काम किया है, बड़ा काम किया है, आज बहुत थक गया हूँ। एक तो मैं उस भांजे से तंग आ चुका हूँ जो सारा दिन ऐसा लोफरबाजी करता है, वो काम टक्के का भी नहीं करता है। मैं उससे तंग बहुत हूँ, उसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। ए मामा, चल 5,000 रुपया निकाल। किस लिए 5,000 तुझे दूं मैं? अरे शहर जा रहा हूँ, काम काज करने के लिए जा रहा हूँ, और क्या। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा तू मुझे? नहीं है मेरे पास पैसे, सारा दिन खाता रहता है सांड की तरह। ये पेट देख, पेट देख, आराम खा खा के बाहर निकल गया और 5,000 रुपया छोटे बच्चे के लिए है। कमाई है ये, हकीलाल की कमाई है। नहीं है मेरे पास तेरे लिए पैसे, निकल जा। पक्का नहीं देगा? नहीं दूंगा। पक्का नहीं देगा मुझे तू? बाबा नहीं दूंगा पैसे, एक बार फिर से बोल। वो नहीं दूंगा यार, नहीं दूंगा। अरे नहीं देना है तो मत दे, अपना सर क्यों फाड़ रहा है? ए मेरे खुदा, तेरे लाख लाख एहसान है, अब तो मैं सुकून के साथ नींद तो करूंगा ना। पागल चला गया मेरे। आज हम पूरा पैसा लेगा भाई उससे, 1 साल हो गया, 1 साल तेरे पैसे नहीं दे रहे। आज किसी भी हाल में उसे ढूंढेगा, हम लेगा पैसे। वो आ रहा है, वो आ रहा है। एक साल हो गया आप पैसा नहीं दे रहे, आज हम तुमसे पैसा लेके जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। अरे खान साहब, पहले मैं बहुत टेंशन में हूँ, मामे ने आप लोगों को पैसे नहीं दिए। चलो मैं तुम्हें मामे से पैसे लेकर देता हूँ। अरे लाला, मैंने मामे को बोला था तुम्हें पैसे देने के लिए, तू पहली तारीख को खुद नहीं आया था, तो इसमें क्या मेरा कसूर है? चल तुझे मामे से पैसे दिला देता हूँ। रोज रोज दादागिरी करता है, आज हम पैसा लेके ही जाएगा। साला भिखारी, तंग करके रखा है, मामे से पैसे लेकर आता हूँ, तेरे मुंह पर पैसे मारता हूँ। चकला इधर आ। ठीक है जल्दी हो मिंट करो।
भांजे आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, आज नहीं छोड़ूंगा। अबे टकले देख के रहे बक्सा दे, चल भाग। हाँ पैसे लेके आया। अरे हाँ पैसे दे देता हूँ ना, ये पकड़ दे। ओ कह रहे छुटे नहीं, चलो मामे को मैंने बोल दिया, जाओ मामे से पैसे ले लो, जाओ चलो शाबाश। ठीक है मुझसे लेंगे, तुम रुको इधर। मार डाला आज, आज भांजे ने मार डाला। किस मुसीबत में आके मैं फंसा हूँ। वही मामा मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पैसा दियो और हम जावे इधर से, क्या समझा? पठान तुझे पैसे चाहिए? हाँ मेरे को पैसा चाहिए। तुझे पैसे चाहिए ना? वो खुदा को मनो यार, वो क्या करते हैं, वो लग जाएगा यार, वो लग जाएगा। नहीं मारो वो, कौन वो, नहीं मारो वो, नहीं मारो। अबे आने में इतनी देर क्यों की यार, मेरे पास हेलीकॉप्टर थोड़ा जो मैं टाइम पर आता, गांव से पैदल आना पड़ता है। अच्छा वो सामान वगैरह उठाया है, चलना है शहर, चलना है शहर। चलकर हम क्या करेंगे? अरे चलेंगे अपना जगू भाई के पास, यहाँ पर रोज रोज मामे से तंग आ गया हूँ मैं, साला सर खपा दिया मेरा। वो मामा मेरे लिए सर दर्द बन चुका है, अब मैं इस गाँव में नहीं रहूँगा, शहर जाऊँगा। अपना जगू है ना, उसको बोलेंगे कहीं ना कहीं हमें लगा देगा काम पर। अरे शहर में हम करेंगे क्या? दूध बेचेंगे शहर में, चलता है तो चल, नहीं चलता है तो रुक जा यहाँ पर। भाई मैं सिर्फ आपके खातिर चल रहा हूँ, लेकिन शहर में बहुत खतरा है। घबरा मत, जिस जगह पर भी पैर रखेंगे उस जगह का डाउन हम ही होंगे। सुहेल जी भाई जल्दी से मीनारे पाकिस्तान पहुँचो। ठीक है मैं मीनारे पाकिस्तान आ जाता हूँ। इतना टाइम हो गया अभी तक भाई आया ही नहीं यार। आप सुने शोएब, बैग दे, ये बैग पकड़। अच्छा भाई जफर और शोएब के साथ ठीक है भाई, चारों तरफ फैल जाओ। और आज आज ही के आज हमें इस्लामाबाद के लिए निकलना है, मैंने केडी को कॉल कर दिया। ठीक है भाई, अपना आखिरी मिशन उधर ही होगा और बाबा की कॉल आ रहे हैं, हमें जाना भी है गांव। ठीक है फैल जाओ। चले भाई काम पे लग जाते हैं। धंधा कैसा चल रहा है? धंधा सही चल रहा है। तू अच्छी तरह से जानता है केडी। अच्छा कि मैं पूरे पाकिस्तान पे राज करना चाहता हूँ, ये माल पकड़ और ये तेरा काम है कि पूरे इस्लामाबाद में से पहले। ठीक है भाई काम हो जाएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह। और आज ही हम रवाना होंगे जफर शुएब गांव के लिए, हम आज ही चलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है।
जगू भाई, मैं इस शहर में सिर्फ आपके सहारे पर आया हूँ और मुझे हर हाल में हर कीमत पर काम चाहिए। जो भी काम होगा हम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर काम मिलना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन जगू भाई चाहे तो आपको काम मिल सकता है। यहाँ पर काम करना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बॉस से बात करूँगा। मैं आपको काम में लगा दूंगा भाई के साथ, लेकिन भाई जान के सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि अगर आपने ऊंची आवाज में बात करी ना तो भाई जान आपकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। सुना मुन्ना, जगू ने क्या कहा है? भाई के सामने ऊंची आवाज में बिल्कुल बोलना नहीं है, और सुन, सीधे तरीके से खाना है। ऐसे भाई? बिल्कुल। चलो आओ जगू। ये दोनों कौन है? ये दोनों भाई गाँव से आए हुए हैं काम के खिलाफ में। कभी कभी इसी जगह पे काम किया है भाई? इसके ऐसे ऐसे काम किया है ना कि आपके कल दिन रह जाएगी। यही तो है वो सिकंदर। इसके जो कारनामे हम सुनते वो यही है। सिकंदर इसे कहते हैं? हाँ, यही सिकंदर है। इधर आओ। कोई बहादरी का काम भी किया है? हाँ भाई, गाँव में मैंने 10-15 मुर्गियाँ चुराए हैं और आज तक किसी को मालूम भी नहीं है। जब मेरे पास मुर्गी ले आए हो भाई, ये पिछले उसके कानों में पड़े तो फिर ऐसे करो। अंदर खड़े क्यों बैठो? जगू, एक बात जानते हो ना कि मेरे साथ गर्दारी की सजा मौत है। मौत। कान खोल कर सुनो, आज वो दोनों को मारना है भाई का हुक्म है। ठीक है सर। ठीक है सर, वो आज नहीं बचेंगे। माल लाया है मुन्ना, माल दे से। मुन्ना जाकर पैसे ले से। माल के पैसे? तेरे को पैसा चाहिए? आ तो जीते तो मैं तुम्हारे बाद नहीं था, पैसे लिए ले चुका हूँ। कालिया, इस साले को बांध डालो। तू इधर मरेगा। बदले के लिए तैयार हो जाओ। एक मिनट।
आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाईजान, बिल्कुल फिट। कैसे कारोबार चल रहा है? काम सही चल रहा है भाईजान, हमने अपना माल हर जगह पे फैला दिया। काम खत्म करके जल्दी पहुँचना है आपको मेरे पास। जी भाई, मैं कल तक पहुँच जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। दफर, चलने की तैयारी करो, हम गाँव चलेंगे। कल तक तो तू मेरे साथ था। इसमें बच्चे खराब हो गए, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, चलने की तैयारी पकड़। नहीं नहीं, इसमें लाश को शिकार करना होगा, और मैं अभी उसी वक्त गांव के लिए जा रहा हूँ, और इधर कतरा को दस्तों में और केडी को सुना। ठीक है, लाश को शिकार में जा रहा हूँ, इधर ही सारा दस्त में और केडी। डैडी, ये अच्छी बात नहीं है, उसने हमारा प्लाट खाली करवाया है, आज मैंने उसका मारने का पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है। आखिर तू बेटा किसका है? मेरा ही बेटा है तो मेरा ही सोच रखेगा। हाँ कुर्बान, उन दोनों को मारा कि नहीं? सॉरी बॉस, ये का भाग से नहीं हुआ। सॉरी वाले बंदे मेरे डैडी को पसंद भी नहीं, मैंने मारने के लिए भेजा था या मार खाने के लिए भेजा था? पागल तो नहीं होगे? डैडी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो, बच्चों का खेल नहीं, ये तेरे डैडी का कमाल है और देख तेरे ने मैं क्या करता हूँ। कोई गोली नहीं चलाएगा, सब बैठो। सिकंदर अपना बंदा है, बैठो सिकंदर। बैठो सिकंदर, बैठो। देखो खान बहादुर, मैं यहाँ पर पीने नहीं इतना बताने आया हूँ कि मेरे साथ आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना। मेरे साथ मजाक किया था, तू इतनी बड़ी बातें कर रहा है? अगर मजाक था तो वो हमसे माल छीनने की कोशिश करते थे, किसे मारने की कोशिश किया गया, हम अपनी जान बहुत मुश्किल से बचा कर आए हैं। जी, ये वही सिकंदर है ना जिसने गांव में हमारा प्लाट खाली करवाया था? हाँ बेटे, ये वही सिकंदर है।
की वादे के कारणों में देख के, इसलिए तो इसको काम पे रखा है। डैडी ऐसे बहादुर जमीन पे बिठा के जूते साफ कराने चाहिए, जय इनको बहादुरी का मेडल देना चाहिए। दखल बहादुर अपने बेटे के मुंह में लगाम दे, पर मैं इसका वो हाल करूंगा मैं जो न कंधा देने के लिए कोई आदमी होगा और न दफनाने के लिए हड्डियां बचेंगे। सिकंदर जो आप माल दे रहे थे वो लोग मेरे ही थे, वो इसलिए मैंने आपका इम्तिहान लिया। सिकंदर ये आप नहीं जानते किसके साथ ये बात कर रहे हो, खान बहादुर के साथ खामोशी के साथ बात किया करें। सिकंदर गोली चलाना हमें दिया था है। तुम जाओ सिकंदर, इस बात को देख लेंगे। आंखें किसे दिखा रहा है सारे, ये छोड़ूंगा नहीं। आंखें किसे दिखा रहा है, इसे पकड़ो। सबके सब बाहर चले जाओ। डैडी वो कुत्ते हमारे घर में आके हमें आंखें दिखा के चले गए, आपने मुझे मारने क्यों नहीं दिया? नहीं बेटे, किस्मत के साथ एक इंसान मिला है जिसे न मौत का खौफ न आंखों में डर। फिक्र हो जाओ बेटे, उसे मरना तो होगा लेकिन उससे पहले घुटने में बिठाऊंगा, दूसरी बार इसको मारूंगा। आज ही उसका मैं बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन तेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से। क्यों बुलाया मुझे आपने आज? जब्बू मैंने आपको कहा था ना कि मेरे कारोबार में क्या सुनना और गद्दार की क्या सुनना। मैं भाई को समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो दोनों आदमियों को आप मेरे पास ले आए थे और वो दोनों ने गद्दारी की। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? खान बाबा ने जग्गू को मार डाला। क्या? हाँ जी। कब? कल। वो रहे वो दोनों कुत्ते, इनको ऐसी मौत दो ये चील और कुत्ते खाएं। चारों तरफ से घेर लो इन कुत्तों को, घेर लो चारों तरफ से।
अंदर, मुझे पता है आपकी गोली खत्म हो गई है, बाहर निकल। सिकंदर आपको कहते हो, कौन है वो तुम्हारे, और भी बताओ। सिकंदर जीरा कि नहीं जीरा बोलो।